नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी ट्रेन का लाइव स्टेटस चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी किन्हीं भी दो स्टेशन के बीच कौन कौन से ट्रेन जाने वाली है, या फिर वो ट्रेन कितनी डिले है या कैंसिल तो नहीं हो गई है, या फिर किस प्लेटफॉर्म पर रुकेगी, या फिर नेक्स्ट स्टॉपेज कौन सा है, दोस्तों इन सभी चीज़ की जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको एक ऐप को इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है वेयर इज माई ट्रेन। दोस्तों यह ऐप आपको प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगी। आपको जाना है अपने प्ले स्टोर में और आपको यहाँ पर सर्च करना है वेयर इज माई ट्रेन। दोस्तों आप जैसे इसे सर्च करते हैं यह ऐप आपको आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों इसे मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो चलिए दोस्तों इस ऐप को ओपन करते हैं। दोस्तों इसे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए कहता है। आपको जो लैंग्वेज सेलेक्ट करना है यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, स्पॉट, पीएनआर और सीट्स। दोस्तों आप जैसे स्पॉट पर क्लिक करते हैं, अगर आपको किन्हीं दो स्टेशनों के बीच आपको ट्रेन फाइंड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जैसे मैं मान लेता हूँ पटना से दिल्ली के बीच फाइंड करना है, यहाँ पर मैं न्यू दिल्ली लिख लेता हूँ, और इसके बीच के स्टेशनों अगर मुझे जानना है तो आपको सीधे फाइंड ट्रेन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे सभी ट्रेन आ जाते हैं जो इनके बीच जाने वाले हैं, जो पटना से न्यू दिल्ली जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डेट्स मिल जाते हैं, आपको जिस डेट को यहाँ से सिलेक्ट करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लास मिल जाती है, आप यहाँ से जिस क्लास को चूज करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फेयर प्राइस भी मिल जाते हैं, यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद किस डेट को जाने वाली है यहाँ से वो भी पता चल जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको बैक करना है। दोस्तों अगर आपको किसी भी ट्रेन का नाम और ट्रेन नंबर पता है तो आप यहाँ से उसका लाइव स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर कोई भी ट्रेन का नाम ले लेता हूँ, जैसे मैं मान लेता हूँ संपूर्ण क्रांति। इसे डालने के बाद आपको इसे परमिशन मांगेगा, फिर आपको यहाँ से अलाउ कर देना है। दोस्तों आप जैसे ही इसे अलाउ करते हैं आपको यहाँ पर पता चल जाता है। देखिए दोस्तों यह ट्रेन अभी डीडी उपाध्याय जंक्शन पर है। दोस्तों आपको यहाँ ये भी पता चल जाता है कि इसके आगे कौन सा स्टेशन आने वाली है। उसके बाद दोस्तों आप इस जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे सब स्टेशन मिल जाएंगे। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अभी आप कहाँ पे हैं और कितने मिनट ले चल लिए। दोस्तों आप जैसे ही इसे ऊपर करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि आपका नेक्स्ट स्टॉपेज कौन सा है। जैसे यहाँ पे बता रहा है कि कानपुर सेंट्रल है। उसके बाद यहाँ पे डिले बता रही है कि 2 मिनट लेट चल रही है और ये कहाँ जाने वाली है, जैसे यहाँ पे बता देगा। फिर आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर मिल जाता है, आप यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर चेक कर सकते हैं। उसका दोस्तों आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों इस ऐप का यह फ़ायदा होता है कि यहाँ पे आपको बिना इंटरनेट का भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जीपीएस या सेल टावर पर आपको क्लिक करना है, फिर आप यहाँ से बिना इंटरनेट के लाइव स्टेटस चेक कर सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर सीट का ऑप्शन मिल रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। आप यहाँ से सीट जान सकते हैं कि 9 नंबर सीट यहाँ पर लोअर बता रहा है, मिडल और अपर सीट यहाँ जान सकते हैं कौन कौन सी लोअर मिडल और कौन सी अपर सीट है। आपको यहाँ पे बॉगी नंबर मिल जाते हैं, आपको यहाँ से देख सकते हैं कि आप कहाँ पे हैं। जैसे यहाँ पे पता लग रहा है कि B1 में यहाँ पे, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको बैग जाना है, फिर आपको यहाँ दोस्तों अलार्म का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप चाहें तो अलार्म यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, आपको जितने मिनट पहले आपको लगाना है अलार्म यहाँ से लगा सकते हैं। आपको यहाँ पे वो स्टेशन डालना है जिससे पहले आपको अलार्म लगाना है। जैसे मैं यहाँ पे न्यू दिल्ली डाल देता हूँ, आपको यहाँ सेट अलार्म पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सेट कर देना है, उसके बाद आपको यस पे क्लिक करना है। दोस्तों आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं यहाँ से अलार्म लग चुका है। दोस्तों आप जैसे न्यू दिल्ली से 10 मिनट पहले आपको यहाँ पे अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे शेयर का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहे तो इसे व्हाट्सएप, फेसबुक, कहाँ पे जहाँ पे चाहे शेयर करना है वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आप इसे बैक करिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप पीएनआर का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से टिकट नंबर डाल के पीएनआर स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सीट का भी ऑप्शन मिल जाता है, अगर आपको सीट जानना है कि कितने सीट अवेलेबल है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप डेट, क्लास, कोटा सेलेक्ट करके फाइन सीट अवेलेबिलिटी पर आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर सीट का ऑप्शन मिल जाता है, फिर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कितने सीट अवेलेबल है।